तो भाई देखो, अभी तक वर्ल्ड कप को लेके बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, जिन्होंने अपने अपने बयान दे दिए हैं, लेकिन फाइनली भैया उस बंदे की तरफ से अब बयान आना शुरू हुए हैं जिस बंदे का सब लोग इंतजार कर रहे थे, और वो है सचिन तेंदुलकर। और यहाँ पे जब बात आती है सचिन तेंदुलकर की, तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो सचिन तेंदुलकर ने दिया है, जो कुछ दिन पहले सुरेश रैना ने भी दिया था, तो वही चीज सचिन तेंदुलकर भी कहते हैं कि इंडिया बिना अगर किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के मैदान पे उतरेगी तो उसको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यही सेम चीज कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले सुरेश रैना ने भी कही थी कि जब भैया सामने वाली टीम को पता रहता है कि विपक्षी टीम में सारे राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो उनको चीजें स्ट्रेटजाइज करने में बहुत सारी आसानी होती है, और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़ते हैं, उनका जो रिदम है वो बिगड़ता नहीं है, चाहे बॉलिंग की बात कर ले, चाहे बैटिंग की बात कर ले, चाहे फील्डिंग की बात कर ले, उनको पता रहता है कि भाई सब इसी तरीके के बैट्समैन आने हैं। इवन रैना ने यह भी कहा था कि हम 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो इसलिए जीते थे क्योंकि सामने वाली टीम को पता रहता था कि अभी गंभीर आ जाएंगे, फिर युवराज आ जाएंगे, फिर रैना आ जाएंगे, तो इस वजह से वो जो चीजों को स्ट्रेटजाइज करते थे वो पूरी तरीके से हिलने लगती थी। अब सेम चीज कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर का भी कहना है कि भले ही हमें ऊपर से नीचे देखते वक्त ऐसा तो लग रहा है कि टीम बहुत बैलेंस है, टीम में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लिख के ले लीजिए, जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो आपको ऋषभ पंत को खिलाना ही पड़ेगा। और देखो, जो मेरा मानना है, मैं भी यही कहूंगा कि दिनेश कार्तिक इस समय ऋषभ पंत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। और उल्टा एक और बात यह है कि भैया अगर ऋषभ पंत को टीम में आना है या किसी वजह से भैया जो सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं वो सच हो जाता है और टीम को ऐसा लगता है कि भैया ऋषभ पंत की एंट्री करानी पड़ेगी, तो ऋषभ पंत का जो काम है और दिनेश कार्तिक का जो काम है टीम में वो मेल नहीं खाता है। दिनेश कार्तिक जिस पोजीशन पे खेलते हैं वहां पर ऋषभ पंत कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ऋषभ पंत जिस पोजीशन पे खेलते हैं वहां पर दिनेश कार्तिक असल में भेजे नहीं जाते हैं। और दूसरी चीज यह है कि जैसा मैंने कहा कि अगर ऋषभ पंत टीम में आएंगे तो दिनेश कार्तिक के अलावा भैया किसी और की जगह तो आ नहीं सकते। रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इनको तो आप किसी मैच में बाहर करके ऋषभ पंत को तो लाओगे नहीं। अगर वो आएंगे तो दिनेश कार्तिक की जगह आएंगे, और अगर वो दिनेश कार्तिक की जगह आएंगे तो वो दिनेश कार्तिक वाली छठी सातवीं पोजीशन पे कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब कि अगर आप ऋषभ पंत को लाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको हार्दिक पांड्या वगैरह को नीचे खिसकाना पड़ेगा और ऋषभ पंत ऊपर आके काम करेंगे। पर सेम टाइम पे सवाल ये उठता है कि चलो हम रैना की बात पे बिलीव कर लेते हैं और मानते हैं कि जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो सचिन कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन स्टिल यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऋषभ पंत को फिलहाल में जितने मौके मिले हैं उसमें उन्होंने कुछ बहुत खास नहीं किया कि ऐसा हमें लगे कि भैया एक बहुत बढ़िया बैट्समैन है जो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, और फिर भी हमने उसको बाहर बिठा के रखा है। इसलिए रोहित शर्मा की जो मेंटेलिटी है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि टीम को पंत से पहले कार्तिक की ज्यादा जरूरत है। लेकिन देखो, मैं यहां पे एक चीज आपको श्योरली कहना चाहूंगा कि पंत आपको T20 वर्ल्ड कप में कम से कम 30-40% मैचेस में खेलते हुए देखने को पक्का मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का वार्म अप मैच हुआ था उसमें जब ऑस्ट्रेलियन स्पिनर अगर बॉलिंग करने के लिए आए थे तो सबने देखा था कि कहीं ना कहीं सारे राइट हैंडेड होने की वजह से इंडिया को दिक्कतें हो रही थी। वहीं पे कोई लेफ्ट हैंडेड प्लेयर होता तो शायद थोड़ा सा और अच्छा अटैक कर सकता था, लेकिन वही सोचने वाली बात है कि पंत को जितने मौके मिले हैं उसमें उन्होंने ये चीज करके नहीं दिखाई है कि वो आती कोई बहुत हमला कर दे रहे हैं या फिर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर थोड़ा सा उन्होंने और ज्यादा अपने आप को प्रूव किया होता तो ऐसा हो सकता था कि जब भी उनको लगता कि भैया सामने जो है बॉलर से वो लेफ्ट हैंडेड ज्यादा है तो पंत को प्रायोरिटी मिल सकती थी। लेकिन यहां पे जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि पंत ने कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं दिया कि उनको खिलाया जा सके, इसलिए कार्तिक की जो जगह है वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि क्या पंत हमें T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखने को मिलेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि कार्तिक को ही खिलाना चाहिए, अगर उनको नीड लगे तो पंत को खिला सकते हैं। और उससे भी बड़ी चीज मुझे ये लगती है कि भाई रोहित शर्मा कैप्टन है, उनको जो सही लगता है टीम के लिए वो करें, हम भैया उनके साथ हैं। पर वो अलग बात है कि अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं और उससे भैया इंडिया हार जाती है तो गरियाएंगे भी हम, और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जितना बड़ा स्टेटमेंट सचिन ने पंत के ऊपर दिया है उससे भी बड़ा स्टेटमेंट तेंदुलकर ने शामी के ऊपर दिया है। तेंदुलकर ने कहा कि भैया शामी ने बता दिया है कि वो किस दर्जे के प्लेयर हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया वाले शामी को उस तरीके से बचा रहे थे जैसे आजकल घरों में लोग अच्छे बर्तन को बचा के रखते हैं कि भैया जब कोई ओकेजन होगा तभी इनको निकालेंगे। वैसे ही कहीं ना कहीं शामी को लग रहा है बचाया जा रहा था कि भैया जब बड़ा टूर्नामेंट आएगा तभी इसको दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन जो भी कहो भैया, सच यही है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है शामी को प्रिजर्व तो नहीं कर रही थी, अब उनको थोड़ा सा और ज्यादा कीमत समझ में आई है जब उन्होंने देखा कि भैया जो नए बॉलर आ रहे हैं वो उस लेवल को टच नहीं कर पा रहे हैं जो लेवल असल में शामी क्रिएट कर सकते हैं। पर देखो भाई, बहुत ज्यादा हम शामी के बारे में और सूर्य कुमार यादव के बारे में बात करने से परहेज करते हैं क्योंकि मुझे लगता है भैया इतनी ज्यादा इन लोग की तारीफ हो रही है ना, कहीं वर्ल्ड कप में हमारी नजर इनको नहीं लग जाए, तो भैया इस बात को यही रोक देते हैं। बाकी देखो, यहां पे सबसे बड़ी मैच ये कहना चाहूंगा कि ना ही मैच को
भैया विराट कोहली की बैटिंग जिताने वाली है, ना ही सूर्य कुमार यादव की बैटिंग जिताने वाली है, ना केएल राहुल की बैटिंग जिताने वाली है, ना शामी की बॉलिंग जिताने वाली है। हम मैच देखो एक ही वजह से सबसे ज्यादा जीत सकते हैं, जो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में, जिसमें हमने साफ साफ देखा कि जितनी भी फील्डिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी सब इंडिया ने लपकी थी और इसी वजह से असल में इंडिया जीता था। अगर वो विराट कोहली ने कैच नहीं पकड़ा होता शामी की बॉल पे तो हम उसी वक्त मैच हार गए होते। सेम टाइम पे विराट कोहली ने वो रन आउट नहीं करा होता तो हम उसी वक्त मैच हार गए होते। असल में हमने वो सारी चांसेस को ग्रैब किया जो हमारे पास आई और यही नतीजा था कि वो मैच इंडिया के हक में गया। मैं और भैया बहुत सारे ऐसे दिग्गज क्रिकेटर हैं जो इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि हम बार बार बॉलिंग को टारगेट करे जा रहे हैं या फिर बैटिंग में किसी को टारगेट करते हैं, लेकिन असल में हमें जहां पे वर्क करना है वो हमारी फील्डिंग है। और मैं सच बता रहा हूं, अगर फील्डिंग हमारी एक नंबर हो गई ना तो भाई बहुत ही आसानी से इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और सच में इंडिया की बॉलिंग खराब नहीं है, वो सिर्फ इसी वजह से एशिया कप से लेकर बाकी सीरीज में थोड़ी बहुत खराब लगने लगी थी, क्योंकि भैया जितनी चांसेस क्रिएट होती थी ना कम से कम हर मैच में 2 से 3 चांसेस ड्रॉप हो जाती थी। और भाई एक कैच छूटना कितनी बड़ी बात होती है ना, ये हमने बार बार देखा है। मतलब भाई एक प्लेयर अगर आप उसका कैच छोड़ रहे हो तो 30-40 रन तो वही मार के जा रहा था, मतलब सीधे सीधे वो मैच की हार और जीत का अंतर बन रहा था। तो भैया उम्मीद यही करते हैं कि जो फील्डिंग का स्तर विराट कोहली ने दिखाया था वार्म अप मैच में, क्या रन आउट किया था, क्या भैया कैच पकड़ा था, अगर ऐसी फील्डिंग होती है ना तो बॉलर जो होता है उसके अंदर भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया ये लोग जो है मेरे लिए जान लगा रहे हैं, अब मुझे भी अपना काम और अच्छे लेवल पे करना होगा। और वहीं पर जब भैया ढीले पड़ने लगते हैं फील्डर तो बॉलर को लगता है साला करूं भी तो करूं क्या, कैच ही छोड़ दे रहे हैं। बाकी मैं आप लोगों से भैया एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछता हूं, आप लोग को क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में इंडिया की बैटिंग असल में वर्ल्ड कप की जीत को डिसाइड करेगी, इंडिया की बॉलिंग डिसाइड करेगी या फिर इंडिया की फील्डिंग डिसाइड करेगी? सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे क्या होने वाला है कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा तो देखो भाई क्लियर मानना है बैटिंग बॉलिंग ठीक है और वो ठीक हो रही है, फील्डिंग में अगर भाई सुधार हो गया और फील्डिंग वहां पे मेंटेन हो गई तो भाई बैटिंग बॉलिंग सब ठीक हो जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर फील्डिंग में भाई घुस गए ना तो मैच भी घुस जाएगा। बाकी अपन भैया जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आशीष क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है निलेश कुमार, जो पूछते हैं भाई क्या हम भूवी को ड्रॉप करके हर्षल, शामी और अर्शदीप के साथ उतर सकते हैं? तो भाई देखो पहले मैच में तो मुझे लगता है भूवी के साथ ही उतरना चाहिए, उनके साथ में हर्षल पटेल और शामी खेल सकते हैं। लेकिन अगर भैया भूवी की तरफ से कुछ बहुत ऊपर नीचे होता है या फिर हर्षल पटेल डेथ में कोई बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं, महंगे जा रहे होते हैं, तो अर्शदीप को टीम में शामिल करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अर्शदीप के साथ एक बेनिफिट तो है कि वो शुरुआत में देखो अच्छा खासा डाल लेते हैं, हर्षल पटेल बिल्कुल भी शुरुआती ओवर के बॉलर नहीं है, शामी है, लेकिन शामी के जो ओवर है मुझे लगता है एक या मैक्स टू मैक्स बहुत ही रेयर केस में उनके 2 ओवर पावर प्ले में खर्चे कराए जाएंगे, वरना उनको डेथ के लिए और मिडल ओवर्स के लिए ज्यादा बचाया जाएगा। और वहीं पे जैसा मैंने कहा कि अर्शदीप ऐसे बॉलर हैं जिनसे आप शुरुआत में भी डलवा सकते हैं क्योंकि उनकी बहुत स्विंग भी होती है और सेम टाइम पे वो डेथ में भी अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। हाँ ये सच है कि भैया अगर हर्षल पटेल अपना काम बहुत अच्छे से करें तो हर्षल पटेल डेथ के अर्शदीप के कंपैरिजन में बेहतर बॉलर हैं, और वहीं पे भुवनेश्वर कुमार शुरुआती ओवर्स में अर्शदीप से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इसलिए शुरुआत तो देखो ये कंफर्म है कि रोहित शर्मा भुवनेश्वर के साथ ही करेंगे वर्ल्ड कप में, उसके बाद चीजें भैया कैसी जाती हैं हर्षल पटेल और या फिर भुवनेश्वर कुमार के साथ, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि अर्शदीप सिंह को खिलाया जाए। बाकी अर्शदीप टीम में आते हैं तो भैया कोई गिला शिकवा मत रखना, वो भी अच्छे बॉलर हैं, अच्छा खासा काम करा है पिछले 3-4 मैचेस में, शुरुआत में विकेट चटका के दिखाए हैं, थोड़ा सा डेथ में बहुत इफेक्टिव साबित नहीं हुए हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इतना खराब नहीं फर्क पड़ेगा मुझे लगता है, जितना मुझे लगता है कि अनइफेक्टिव भुवनेश्वर कुमार साबित होते हैं जब बात आती है डेथ की, उतना मुझे लगता है कि अर्शदीप नुकसान नहीं कराएंगे। पर जैसा मैंने यह भी कहा कि भैया भुवनेश्वर कुमार शुरुआत ओवर में जो कर सकते हैं वो चीज भैया थोड़ा सा अर्शदीप अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए अर्शदीप खेलें कोई भी खेलें भैया, हम ये चाहते हैं जो टीम के लिए बेस्ट हो उसको खिलाओ, हमें वर्ल्ड कप जीतने से मतलब है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन भैया हमें एक चीज से फर्क जरूर पड़ता है, अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज बिग बॉस जोशी पे फॉलो नहीं करा तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाएं जाके फॉलो करें, कोई भी मन में सवाल है सीधे जाके डीएम करें, जो सवाल हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर करेंगे। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो मेजर फैक्टर डिसाइड करेगा इंडिया की वर्ल्ड कप की जीत को, वो इंडिया की बैटिंग होगी, बॉलिंग होगी या फिर फील्डिंग होगी, यहां पे आपको ये बताना है कि कौन सी वो चीजें जो इंडिया को वर्ल्ड कप हरा भी सकती है और वही चीज अगर अच्छी हो गई तो इंडिया को जिता भी सकती है, सबसे मेजर रोल किसका होगा, बैटिंग बॉलिंग या फील्डिंग का, कमेंट में भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है सबको बताना है। इसके अलावा भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।